अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस बारे में मैं बात करूँगा आपसे, वो ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ऑनलाइन बेयर रूट रोज़ेज़ मंगवाए हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है और ये टाइम है गुलाब को, रोज़ेज़ को लगाने का। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये बेयर रूट रोज़ेज़ मंगवाए हैं, और ये जो हैं जिनसे मैंने, ये नर्सरी वाले हैं जिनसे ये मैंने मंगवाए हैं, तो ये मोस्टली जो हैं जो बहुत ही फेमस रोज़ ब्रीडर हैं यूके के, डेविड ऑक्सटन रोज़ेस, उनकी ग्रोथ करते हैं ये, उनको ये ब्रीड करते हैं। तो ये काफ़ी सारे रोज़ेस मैंने मंगवाए हैं अभी, और आगे कुछ और भी मैं मंगवाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने बेयर रूट रोज़ेस मंगवाए हैं, अभी इनको मैं अनपैक करता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से इन्होंने भेजे हैं। ये तकरीबन मैंने 20 एक रोज़ेस मंगवाए हैं अभी, तो देखते हैं किस तरह से, काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं ये, आप इसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, डेविड ऑस्टिन की जो वैरायटीज़ हैं रोज़ेस की, कुछ इसमें क्लाइंबर्स भी हैं, कुछ श्रब्स हैं और कुछ रैम्बलर्स भी हैं, लेकिन रैम्बलर्स मैंने नहीं मंगवाए, मैंने सिर्फ क्लाइंबर्स मंगवाए हैं, श्रब्स मंगवाई हैं, और कुछ जो हैं रोज़ की हाइब्रिड टी वैराइटीज़ वो मैंने मंगवाई हैं, तो फ्लोरीबंडा वैराइटीज़ भी मंगवाई हैं मैंने। तो रैम्बलर्स नहीं मंगवाए क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई स्पेस नहीं थी, ना कोई मुझे इस तरह से उनकी ज़रूरत थी कि मैं उनको कहीं पे टाई करता या इस तरीके से उनको ट्रेल करता। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही कुछ श्रब्स मंगवाई हैं, फ्लोरीबंडास मंगवाए हैं और कुछ हाइब्रिडीज़ और क्लाइंबर्स मंगवाए हैं। तो ये मैं साथ साथ अनपैक कर रहा हूँ इसको, बहुत टाइटली इन्होंने पैक किया हुआ ताकि रोज़ेस ब्रेक ना हो। अभी मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कैसे इन्होंने किया है, प्लांट होगा साथ या नहीं होगा। मोस्टली बेयर रूट रोज़ेस में ये होता है कि वो प्लांट को ऊपर से कट कर देते हैं और जस्ट रूट्स और कुछ केन्स जो उसकी बेसिक केन्स होती हैं या ग्राफ्टेड पोर्शन होता है वो रहने देते हैं, बाकी सारा वो सॉइललेस होता है, विदाउट सॉइल वो होते हैं। तो ये इन्होंने कुछ ऊपर पॉली बैग लपेट रखा है और कुछ मुझे लीव्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ प्लांट का पोर्शन भी साथ रखा हुआ है, कम्प्लीटली बेयर रूट उस तरीके से नहीं है, प्लांट है साथ इनके। तो ये कुछ इस तरह से ये निकल आए हैं, अच्छा प्लांट्स इनके साथ इन्होंने रखे हुए हैं, और ये साथ टैग भी अपने इन्होंने नर्सरी के भी लगा रखे हैं और ऊपर वैराइटीज़ के नाम भी लिख रखे हैं। तो नीचे इन्होंने न्यूज़पेपर से रूट्स को कवर कर रखा है और बड़ा टाइटली इन्होंने बांध के रखा है ताकि जो स्टेम्स हैं या ग्राफ्टेड पोर्शंस हैं वो टूटे नहीं। तो ये इनको अनटाई कर लेता हूँ, ये काट लेता हूँ इसको जो बांधा हुआ है। अच्छा, मल्टीपल लोकेशन इन्होंने बांधा हुआ है, रूट्स के पास से भी इन्होंने टाई किया हुआ है, लीव्स वाले ऊपर स्टेम्स वाले पोर्शन से भी किया हुआ है। तो उसको मैं ज़रा एहतियात के साथ ही खोलूँगा क्योंकि टूट भी सकती हैं, स्पेशली जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है, और ये मुझे ज़्यादा मैच्योर भी नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा रोज़ेस जो हैं वो यंग ही हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा केयरफुली इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मैं साथ साथ रिमूव करता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं रूट्स के साथ सॉइल बिल्कुल नहीं है इन्होंने रखी हुई, कम्प्लीटली बेयर रूट हैं। ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ वन बाय वन, थोड़ा एहतियात के साथ ही, एक तो कांटे भी हैं थोड़े और हाथ को लगने का भी चांसेस रहता है, ग्लव्स हों तो वो इस्तेमाल कर लेने चाहिए। तो अब ये थोड़ा इससे हुए हैं लूज, ये इसके साथ तो फ्लावर भी मुझे नज़र आ रहा है, ये इसकी वैरायटी का नाम मुझे नहीं मालूम क्या है, ये भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसका नाम है विलियम शेक्सपियर, इस वैरायटी का नाम। मोस्टली जो मैंने रोज़ेस सेलेक्ट किए थे वो डेविड ऑस्टिन के ब्रीडर के थे, ताकि मुझे ज़ाहिर उसके अच्छे थे, फेमस भी है और दूसरा
वराइटीज़ बहुत ह्यूज वराइटी उसके पास, तो डेविड ऑस्टिन की मैंने वराइटीज़ को ज़्यादा सेलेक्ट किया, उनको प्रेफर किया। तो और भी मेरे साथ साथ देखता हूँ, ये एनी हार्कनेस के नाम से है, काफ़ी सारी हैं ये। मैं जब ग्रो करूँगा साथ साथ में इनकी अपडेट भी आपको बताऊँगा किस तरीके से ये कौन कौन सी वराइटी है, इनकी टैगिंग करूँगा प्रॉपरली। ये डेस्टिमोना के नाम से, ये वाइट कलर का रोज़ होता है, बहुत ही फ्रेग्रेंट और बहुत ही खूबसूरत। और मोस्टली जो मैंने वराइटीज़ मंगवाई हैं वो ऐसी मंगवाई हैं जो पॉट्स में ग्रो हो सकें, इसलिए क्लाइंबर्स हैं उनको बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा, या जो श्रब्स हैं उनको बड़े पॉट्स में लगाना पड़ेगा। ये एक और वराइटी पॉट सनलाइट के नाम से, तो काफ़ी सारी वराइटीज़ हैं। अभी मैं आपको एक एक वराइटी दिखाने बैठा तो बहुत लंबी हो जानी है वीडियो। तो ये अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो बर्ड्स वगैरह हैं इनकी जो थिन स्टेम्स हैं इनको मैं कट कर दूँगा, ताकि जो एनर्जी है वो ना ज़ाया हो इसकी स्टेम में से, तो मॉइस्चर रिटेन रहे, और इसको मैं एज सून एज़ पॉसिबल इनको मैं प्लांट कर दूँगा। अभी फ़िलहाल तो इमीडिएटली मैं इनको पानी की बकेट में डाल के रखूँगा, रूट्स को डुबो के रखूँगा, ताकि थोड़ा टाइम ये मॉइस्ट रहें, थोड़ी सी जो ड्राइनेस हुई हुई है वो थोड़ी सी वेट हो जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह इनको मैं एज सून एज पॉसिबल इनको लगाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।